औरंगाबाद में। तो आज मेरा प्लान है बीबी का मकबरा देखने, जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर नहीं है। तो जाऊँगा वहाँ पर, देखेंगे कैसा है। हो सके तो मैं ड्रोन शॉट लेने का ट्राई करूँगा अगर चांस मिला तो चलिए चलते हैं, तो मिलेंगे सीधे बाइक पे। फाइनली पहुंच चुके हैं हम बीबी का मकबरा, और जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है जितना मैंने सोचा था। और ये है औरंगाबाद में, आपको नाम से पता चल चुका होगा शायद, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और इसी को ही मिनी ताजमहल भी कहते हैं, ताजमहल की कॉपी भी कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं हिस्ट्री, पर प्लेस काफ़ी अच्छा है जितने मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर सुबह 10:30 बजे हम पहुँचे हैं, और यहाँ पर 10:30 बजे काफ़ी भीड़ है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज है 26 जन, मे भी इसलिए पब्लिक ज़्यादा है शायद आज, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये कुछ इस तरह दिखाई देता है जैसे हम नज़दीक आएंगे। काफ़ी अच्छा है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे तो अच्छा है, मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा है ये। और ये औरंगाबाद के नज़दीक ही है, काफ़ी दूर नहीं है, औरंगाबाद को लग के ही है। औरंगाबाद के मेन सिटी से लगभग 3 या 4-5 किलोमीटर होगा शायद, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये। और हम करेंगे इसके अंदर इंटर, और देखेंगे अंदर किस तरह से आपको मिलेगा। जैसे आप इंटर होंगे इस तरह वाला मिलेगा आपको, इस तरह से आपको इंटर होना पड़ेगा। जैसे आप इंटर होंगे व्यू आपको मिलेगा यहाँ से, देख सकते हैं आप। Thank you.
फाइनली मैं आ गया मेरे रूम में। वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, जितना हो सके उतना मैंने सिनेमैटिक शॉट से कवर कर लिया। इस बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे नहीं सका, तो आप मैं बताऊँगा पूरा इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर जाने के लिए टिकट है और टिकट की जो प्राइस है पर पर्सन 25 रुपीज़, और अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरे के लिए 25 रुपीज़ है। और वहाँ पर ड्रोन उड़ा नहीं सकते आप, आसपास भी नहीं उड़ा सकते, वहाँ के सिक्योरिटी का मानना है। अगर आप उड़ाते हैं तो ड्रोन पकड़ सकते हैं और वो उनके अंडर में जा सकता है आपका ड्रोन, तो वहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ये तो कंफर्म हो चुका है। और टिकट जो है वहाँ पर ऑनलाइन मिलेगा और ऑफलाइन मिलेगा, तो आप ट्राई कीजिए ऑनलाइन लेने का। आप अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको 5 रुपीज़ कम गिरेगा, तो हमने तो ऑफलाइन ले लिया, हमें पता नहीं था। हम वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला कि ऑनलाइन भी टिकट है, तो ट्राई कीजिए ऑनलाइन लेने का, आपको 5 रुपीज़ आपके बच जाएंगे ऑनलाइन करने से। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर एंड कर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।